हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपा नंगल पर। और जुड़े रहिए मेरी आर्ट के साथ। अगर आपको अच्छा लगे आर्ट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा दीपा नंगल नेम के जो चैनल है इसको, और बेल आइकॉन दबा देना क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँगा तो आपको सबसे पहले दिखाई दे। तो आज मैं वीडियो की तरफ ले चलता हूँ आपको जल्दी से, और बताता हूँ कि वार्निश कैसे करते हैं स्केच को। ये वाले जो दो वार्निश है मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए थे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और इसको क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने ये दो स्केच बनाए थे तो इनको अब कोरियर करूँगा पैक करके, तो ये वार्निश मैं यूज़ करूँगा इनके ऊपर ताकि ये सेफ़ रह सकें, क्योंकि इसके ऊपर हम हाथ लगाएँ आराम से तो शीट के ऊपर वो अपना जो पेंसिल का ग्रेफाइट है या चारकोल है वो फैले ना, तो इससे ख़राब नहीं होते ये दोनों। अब स्केच जो है ये पैक करूँगा मैं कुरियर करने के लिए, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको बताऊँगा कि ये वार्निश है जो ये फॉर पेस्टल चारकोल और पेंसिल के ऊपर चलाने के लिए है, और ये नॉन रिमूवेबल है, ये रिमूव नहीं होएगा, तो आप इसको ध्यान से ग्लव्स पहन के यूज़ कीजिए। और यूज़ करने के टाइम हाथ को थोड़ा दूर ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा ये। हाथ को थोड़ा सा दूर रख के वार्निश करेंगे और एक मिनट के अंदर अंदर सूख जाता है। सूखने के बाद ये एकदम जैसे लेमिनेट हो जाता है पेपर, तो ऐसे हो जाता है टेक्सचर इसका, बिल्कुल लेमिनेशन जैसे आएगा। इसके ऊपर हाथ लगाने से फिर वो चारकोल जो उखड़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं, शीट के ऊपर गंदी नहीं होगी आपकी शीट। दोस्तों, अगर आपको मेरा आर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे अपनी राय भी आप मुझे दे सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर इनबॉक्स में आके, या व्हाट्सएप के ऊपर इनबॉक्स में आके आप अपने वर्क भी ऑर्डर कर सकते हैं मुझे, अगर आपने किसी का स्केच बनवाना है तो। आर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल आइकॉन दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अपनी राय भी आप दे सकते हो मुझे आर्ट, अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो आर्ट के अबाउट तो आप मुझे इनबॉक्स में आके अपनी एडवाइस दे सकते हो। धन्यवाद आप सभी का।